कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने सरकार के मंत्रियों पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल सरकार ने नया गवर्नेंस पैटर्न लाया है। इसमें बड़े अधिकारियों को एक ही पद पर बार बार पोस्टिंग दी जा रही है। उन्हें ऐसे महसूस करते हैं कि वह बहुत पावरफुल है। इसका फायदा उन अधिकारियों के लड़के उठाते हैं। एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एमएसआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारी अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़, जो भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष है, उसने प्रेम संबंध के बीच एक युवती को मारने की कोशिश की है, जिस पर मामला दर्ज होकर भी अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाजपा का एक नया पैटर्न आया है महाराष्ट्र में, जो बड़े रिटायर्ड अधिकारी है उन्हें पार्टी में लेना, उन्हें अधिकार पद देना, रिटायर होने के बाद बार बार पोस्टिंग देना, और इसकी मस्ती उनके बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है। क्या यही आपके गवर्नेंस का मॉडल है? अनिल गायकवाड़ जो बड़े अधिकारी हैं, उनका बेटा अश्वजीत गायकवाड़ तथाकथित उनके प्रेम संबंधों में उस लड़की को गाड़ी के नीचे कुचलकर मारने की हिम्मत करता है और उसके दोस्त उसको उसके साथ उसमें साथ देते हैं। इसका मतलब इन्हें कानून का डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है हम भाजपा से संबंधित है, हम भाजपा के नेता है, हमारे पिताजी बड़े अधिकारी हैं और हमारा कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये इस बात से भी प्रतीत होता है कि गुनाह दाखिल होने के बावजूद अरेस्ट क्यों नहीं होती? क्या यही आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? यही आपकी महिला सुरक्षा वाली बात है? सारे देश में आप इसका ढिंढोरा पीटते हो, लेकिन बलात्कार में, महिला शोषण में और अब तो महिला को मार डालने तक भाजपा के लोग सम्मिलित पाए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसको कब अरेस्ट होने वाली है और उस महिला को न्याय कब मिलने वाला है?